आज के वीडियो में मैं जो फेस पैक बनाने जा रही हूँ वो आपके फेस पर से टैन को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को फेयर, ब्राइट और ग्लोइंग करेगा। कीप वॉचिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाटरमेलन फेस पैक। ये पैक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो कि गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। ये पैक आपके फेस से टैन को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट, फेयर और ग्लोइंग करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 पीस वाटरमेलन, और मैंने इसे ग्रेट करके इसका जूस अलग से निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच चावल का आटा, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच दही, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इन सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करने के बाद इसका एक पेस्ट बना लेंगे और अब हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। चोट लगने के कारण मैं इस एरिया पर फेस पैक अप्लाई नहीं करूंगी। वाटरमेलन नेचुरल टोनर का काम करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। वाटरमेलन से गर्मियों में हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। चावल का आटा हमारे फेस पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको एब्सॉर्ब करता है और ये हमारे फेस से डेड स्किन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। दही हमारे स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करती है और हमारी स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करती हैं। और 15 से 20 मिनट तक इस पैक को ऐसे ही लगा रहने दें। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका फेस पैक ड्राई हो गया है। तो इसे वॉश नहीं करना है, अब इसमें आपको हल्की सी स्क्रबिंग करनी होगी ताकि हमारी डेड स्किन जो है सब रिमूव हो जाए। स्क्रबिंग करने के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। आप इस पैक को हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।